पावर हाउस के लोगों ने किया मांस मछली मटन मंडी का विरोध। तहसीलदार सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर किया निराकरण। अजयगढ़ के राजा व नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षद रहे मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार खुले में बिकने वाले अंडा मांस मछली को बंद करवाकर अलग अलग सुनिश्चित स्थानों पर मंडी स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था। मांस मछली मटन इत्यादि की दुकानें के लिए अलग मंडी स्थापित करवाने के संबंध में अजयगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर के अंदर से अंडा मांस मछली की दुकानें हटवाकर राजापुर रोड में स्थापित करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका स्थानीय रहवासियों द्वारा विरोध करते हुए अजयगढ़ के राजा अजय राज सिंह जूदेव के पास पहुंची जनता की समस्या के निराकरण हेतु अजयगढ़ के राजा जी ने तत्काल जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को मौका स्थल पर बुलाकर जानकारी ली, जिसमें राजा अजय राज सिंह जूदेव ने अधिकारियों से कहा कि लोगों को कोई समस्या नहीं होनी। वहीं लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के पास इस प्रकार मांस मछली लगाना अनुचित है और जिस स्थान पर दुकानें लगवाने की बात कह रही थी वह निजी भूमि है, जिस पर तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहरवार, सीएमओ राजेंद्र सिंह व उपयंत्री आर के बागरी सहित नगर परिषद अध्यक्ष सीता सरोज गुप्ता, पार्षद नारायण दास रजक, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद आजाद कादरी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें तहसीलदार के द्वारा सदर पटवारी निखिल गौतम ने नक्शा देखकर लोगों को समझाइश दी कि मंडी की डिजाइन इस प्रकार बनाई जाएगी कि पट्टे की जमीन या रिहायशी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न न हो। दुकान आबादी के पीछे बनवाई जाएगी जहाँ दुकानदारों और रहवासियों को कोई समस्या नहीं होगी। शासन के निर्देशानुसार मीट मंडी मछली मंडी को नई जगह एक चिन्हांकित करके सब करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में नगर परिषद अजयगढ़ स्थित राजापुर रोड पे जगह देखी गई है। उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह आबादी के पास है या फिर उनके पट्टे हैं, तो उसका भी विधिवत निरीक्षण कर लिया गया है और उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि जो दुकानें हैं वो हमारी आबादी से दूर पीछे बनाई जाएंगी और मेन रोड से अप्रोच रोड दी जाएगी उसमें।